स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिस्ट्री फॉर क्लास मैट्रिक और सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास हाइड्रोजन एंड वाटर, लेक्चर नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हाइड्रोजन बेसिकली क्या है। हाइड्रोजन बेसिकली नेचर में एक गैस है, ठीक है। ये गैस फॉर्म में मौजूद होता है नेचर में, और मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। यानी अगर हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में ये सबसे छोटा एलिमेंट पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस क्या है? सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाई जाती है। 80% हमारे पास हाइड्रोजन गैस यूनिवर्स में मौजूद होती है। अगर ज़मीन की बात की जाए तो ज़मीन पर इसका रेशो 0.89% होता है, लेकिन ये ज़मीन पर दो हालत में पाया जाता है। एक हालत को कहते हैं फ्री स्टेट और दूसरी हालत को कहते हैं कंबाइन स्टेट। अगर ये फ्री हालत में होगा तो H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, H2। और ये क्या है? एयर में मौजूद होता है, तो वेरी लेस अमाउंट इन एयर, यानी बहुत ही कम मिकदार में हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होती है? फ्री स्टेट में होती है। और कंबाइन स्टेट की अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है, H2O, NH3 और CH4, मीथेन गैस, अमोनिया और एक्सेट्रा, बहुत सारे यानी एलिमेंट के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो कंबाइन स्टेट में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मैंने लिखा मोर अमाउंट देन फ्री स्टेट। यानी फ्री स्टेट के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कंबाइन स्टेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी आपके घरों में जो गैस आ रही होती है, मीथेन गैस, H2O, वाटर, आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमें हाइड्रोजन मिल रहा होता है ज़मीन पर, लेकिन किस फॉर्म में? कंबाइन स्टेट में, कंबाइन हालत में। अब मैंने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा कि लिक्विफिकेशन पॉइंट, यानी हाइड्रोजन गैस है, अगर इसको हम लिक्विड बनाए तो इसको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें -252 सेल्सियस। सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। और अगर इसको क्या किया जाए, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज किया जाए, सॉलिडिफिकेशन या जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो इसकी क्या होगी? -258 सेल्सियस। ये भी यूनिट है टेम्परेचर का। नेगेटिविटी देखी जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किस साइंटिस्ट ने किया, डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया? साइंटिस्ट का नाम आता है कैवेंडिश। ये MCQs में पूछा जा सकता है आपसे। तो कैवेंडिश साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। क्या किया इसने? एक जिंक मेटल ली जो सॉलिड फॉर्म में था, उसके साथ क्या कर दिया, रिएक्शन करवाया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl क्या था? एक्वस फॉर्म में था, यानी पानी की हालत में था। जब इसने जिंक का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिला? ZnCl2। और साथ ही क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई जो कि हमें चाहिए थी। तो बेसिकली डिस्कवर किसने किया? कैवेंडिश ने। लेकिन इसको नाम किसने दिया? इसको नाम देने वाला साइंटिस्ट लेवाइज़र कहलाता है। लेवाइज़र ने क्या किया, जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, डिस्कवर हो गया, तो लेवाइज़र ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। तो जब इसने देखा कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन देखा, तो आपको पता है कि H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेगा वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर। तो लेवाइज़र ने देखा कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब उसने ऑक्सीजन के साथ किया तो उसने क्या देखा कि वाटर बना। तो इसने यहाँ से बताया हमें कि हाइड्रोजन का नाम उसने कैसे सेलेक्ट किया, कि हाइड्रो मतलब यानी वाटर और जेन मतलब यानी प्रोड्यूसर। यानी हाइड्रोजन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है? वाटर को प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि किस तरह हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।